नमस्कार एफएम जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ प्रियंका उपल। तो बाजार में फाइनली आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। बैंक्स इस वक्त थोड़े वीक हुए हैं, 400-450 पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पे दिख रही है और निफ्टी पर भी अब 19400 के नीचे स्लिप हुआ इंडेक्स। सो इसके क्या मायने हैं, क्या यहाँ से थोड़ा और स्लिप कर सकता है बाजार या फिर एक रिकवरी अटेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि सुबह से आप डिप्स जितने देख रहे हैं बॉटम हुए हैं। लेकिन अब जो ये यहाँ पर थोड़े से बैंक निफ्टी पर जो 400-450 पॉइंट्स का डेंट दिख रहा है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? ये सारी बातें आगे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी बातें देख लेते हैं। कहाँ कहाँ से बड़ी पार्टिसिपेशन और कहाँ से कमजोरी और इंडेक्स को मिली है? तो रिकॉर्ड लेवल्स पर तो था 19500 पर कल, और लेकिन आज वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लगभग 100-125 पॉइंट्स वहां से नीचे है और आज 125 पॉइंट्स की आप गिरावट देखें तो 19400 के नीचे स्लिप होता हुआ आपको निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट ज्यादा है, 400-450 पॉइंट्स, बट ये भी नहीं भूलें कि 2,500 के पॉइंट्स की रैली के बाद क्या ये एक मीनिंगफुल करेक्शन आ सकती है या छोटे डिप्स ही होंगे। तो लगभग 450 पॉइंट्स टूटा है बैंक निफ्टी और 45,000 के नीचे स्लिप हुआ है। कहाँ से आ रही है ये गिरावट? दबाव थोड़ा सरकारी बैंकों से आया है, आईटी स्पेस वीक है बिफोर द नंबर्स, मेटल और रियल एस्टेट स्पेस में भी दो दिन की तेजी के बाद अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां दिख रही है। लेकिन आज कौन कौन से सेक्टर्स और पॉकेट्स हैं जहां जहां बिजनेस अपडेट शानदार आ रहे हैं, वो स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट रब अप पूरे स्पेसिस पर दिख रहा है। आप ज्वेलरी काउंटर्स में टाइटन के अपडेट्स से टाइटन तो चला ही, कल्याण ज्वेलर्स, स्पेस, संगमली, सारे जो ज्वेलरी काउंटर्स हैं उनमें अच्छी मूव दिख रही है। और अब विक्स जो थोड़ा सा नीचे आया है 12 के नीचे, बहुत मामूली, ज्यादा नहीं, क्या यहाँ पर थोड़ा सा फियर एलिमेंट बढ़ सकता है? ओवर बोथ जोन तो थे ही हम, देखते हैं। बात करते हैं आज चंदन तापड़िया है हमारे साथ बात करने के लिए एफएनओ पर। चंदन, गुड आफ्टरनून, आपसे बात करेंगे, इंडेक्स पर व्यू भी लेंगे, स्ट्रैटेजी भी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार पहले कल का रिपोर्ट कार्ड समझ लेते हैं। कल हमारे साथ अजीत मिश्रा थे शो पे और उनकी जो बताई हुई कॉल्स थी वो कैसी परफॉर्म कर रही है, तो कल उन्होंने मेजरली कॉल्स क्या दी, आइए देखते हैं। तो टाटा पावर पर उन्होंने कॉल कल दी थी और वहां पर अच्छा रिटर्न आया, ऑप्शन का ट्रेड लिया, लगभग 25% का रिटर्न टाटा पावर से मिला। गेल और आईओसी उन्होंने कैश मार्केट में खरीदने के लिए गए थे, जहां पर आपने 3-3% तक के गेंस देखे। तो एक अच्छा डिसेंट रिपोर्ट कार्ड आपके सामने जो कल हमारे एक्सपर्ट थे, और आज हमारे साथ आज का रिपोर्ट कार्ड बनवाएंगे चंदन तापड़िया। उनसे पहले बात करते हैं, लेकिन पहले एक इंडेक्स पे व्यू। चंदन, 2000 पॉइंट्स चलने के बाद अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से 400-450 पॉइंट्स करेक्ट होता है, इसको किस तरह से देखना चाहिए? नीचे की क्या स्ट्राइक्स ओपन होती हुई दिख रही हैं, या फिर आपको लगता है डिप बॉट हो जाएगा, जो सुबह से दिख भी रहा है? थोड़ा सा तो इंटेंस हुआ है सुबह के मुकाबले डिप। बिल्कुल, नमस्कार प्रियंका जी। देखिए, काफी अच्छा मूवमेंट हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था और हमारा मानना था कि निफ्टी 19500 तक मूवमेंट होना चाहिए, और आप देखोगे एग्जैक्ट 19500 के आसपास तक आके अब वापस थोड़ा पोज ले रहा है। तो बायस तो पॉजिटिव, बट आप देखोगे कि लगभग 7-8 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव बाजार में हो सकता है। तो मेजर ट्रेंड चेंज नहीं हुए, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे थोड़े से टर्न हुए। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिक्लाइन 19300 के आसपास आता है तब हम खरीदारी की सलाह देंगे। याद रखे आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 8-10 दिनों बाद सेलिंग आ रही है, तो सेलिंग को 19300 के आसपास थपने दीजिए। 19300 के आसपास आता है तब हम खरीदारी की सलाह देंगे विद सपोर्ट ऑफ 19150 और फिर वहां पे 19500-19600 के टारगेट बनेंगे। सो आई बिलीव 19300 के आसपास इस डिक्लाइन को वापस खरीदा जा सकता है। बट इंट्राडे जो ट्रेडर है उनको ये सलाह रहेगी कि आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि बाजार में सेलेक्टिव हेवीवेट्स काउंटर फिसल रहे, तो 19300 तक का लेवल यहाँ पे डिक्लाइन में देखने को मिल सकता है। 19300 के आसपास बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हम यहाँ पे बनाने की प्रिपरेशन करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं चंदन, मुझे अब याद आया कि हम जब आपके साथ डिजिटल पे शो कर रहे थे तो आपने क्लियरली इमीडिएट रेंज जो दी थी, और उस टाइम तो शायद 18900 के पास था बाजार, जब फ्रेश रिकॉर्ड हाई बना था कि 19400-500 तक का एक्सपेंड रेंज एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी क्या यहाँ थोड़ी, और पीएसयू बैंक ने इसी हफ्ते से पार्टिसिपेट किया था, पिछले 3-4 दिनों से गेंस जितने ऊपर आए थे, क्या वो सारे रोड हो सकते हैं या फिर डिप बाय हो सकती है? क्या बैंक निफ्टी पे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, बाजार में बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कंपेटिटिवली ज्यादा वीक हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट हम 44,444 की तरफ देखेंगे, क्योंकि ये तेजी उन्हीं लेवल को सरपास करके निकली है, तो हो सकता है 200-250 पॉइंट का और स्विंग बन, डिक्लाइन बने, तो वो डिक्लाइन आता है तो 44,444 का सपोर्ट लगाइए, ऊपर में कहीं ना कहीं 45,200-45,500 के अपसाइड के टारगेट। बड़ी बात चंदन जो यहाँ बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ फर्दर स्लिप तो हो सकता है बाजार, लेकिन वो खरीदने का मौका होगा। 19300 पे आप खरीदारी फिर से करें। और बैंक निफ्टी पे क्या लेवल बताया आपने चंदन?
बैंक निफ्टी 44,444 ऊपर में 45,250 45,500 ठीक है 44,445 यानी यहाँ से लगभग 350 पॉइंट और नीचे और निफ्टी तो ज़्यादा नहीं निफ्टी तो 50-60 पॉइंट यहाँ से नीचे ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि आज जहाँ अच्छा मोमेंटम बना हुआ है क्या वो मोमेंटम सस्टेन भी करेगा या फिर बाजार में जिस तरह से थोड़े से गेंस फ्रिजल हो रहे हैं थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है बाजार तो क्या वहाँ पर आपको अपनी पोजिशन एग्जिट कर लेनी चाहिए। लॉन्ग बिल्टअप की तरफ चलते हैं। ऑलराइट तो आज जो मूव्स बड़ी आ रही हैं अगर निफ्टी काउंटर्स की आप बात करें तो उनमें आपको टाइटन तो फॉर श्योर दिख रहा है लेकिन ये बिजनेस अपडेट्स का न्यूज़ का एक फ्लो है न्यूज़ का रीज़न है जिसकी वजह से आपको टाइटन में मूव दिख रही है। एक्चुअली चंदन टाइटन की मूव ना पिछले हफ्ते से स्टार्ट से शुरू हो गई थी तो मेजर ऑफ द गेंस हो भी चुके हैं और आज की ये मूव मिलाकर कितना तक ये न्यूज़ को प्राइजिंग कर लिया है अभी इन शॉर्ट क्या ये राइड करना चाहिए अभी रैली को या एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लें टाइटन में। देखिए इनफैक्ट टाइटन आज की हमारी खरीदारी की सलाह आज जो आपके साथ हम साझा करने वाले हैं तो टाइटन में बिल्कुल बने रहे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है नया ब्रेकआउट हुआ है 3120 का सपोर्ट रहेगा ऊपर में 3300 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो आप टाइटन को यहाँ से फर्दर अपसाइड के लिए बाय करेंगे इन लेवल्स में भी पिछले 7 दिनों में लगभग 7% की मूव के बाद ठीक है। तो ये तो चंदन की एक रेकमेंडेशन। चंदन आप दूसरी रेकमेंडेशन भी बता दें आप। बिल्कुल पहली टाइटन रहेगी और दूसरी रहेगी अपोलो टायर पे। पिछले कुछ दिनों से टायर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है चाहे नॉन एफएनओ में जेके टायर C8 की बात करें एफएनओ में अपोलो टायर इन सब की बात करें तो अपोलो टायर में काफी अच्छा बेस बना है पिछले 3-4 दिनों में 394 के आसपास के सपोर्ट लिए तो अपोलो टायर खरीदारी की सलाह रखेंगे। हल्के से 2-4 रुपए का डीप आए तो ले 406 का सपोर्ट है ऊपर में 435-440 तक के टारगेट। अपोलो टायर फिर से 2 दिन से फिर से आपको एक्टिव होता दिख रहा है बालकृष्णा चल रहा है C8 चल रहा है और अपोलो टायर आपकी पिक रहेगी 440 का आप यहाँ पर लेवल देख रहे हैं ठीक है। कुछ और दूसरे जो काउंटर्स जहाँ पर आपको अच्छा लॉन्ग बिल्टअप देख रहे हैं वो एक बार फिर से स्क्रीन लेकर आते हैं कि कहाँ कहाँ क्योंकि आज गैस काउंटर्स में भी IGL MGL इन काउंटर्स में भी अच्छी मूव है। टायर काउंटर्स की तो हमने बात की ही टाइटन में अच्छी मूव दिख रही है फिर से लाइफ काउंटर्स लाइफ इंश्योरेंस काउंटर HDFC लाइफ SBI लाइफ यहाँ पर मूव दिख रही है क्या ये इनमें क्या लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है आप लॉन्ग ट्रेड लेंगे इनमें। बिल्कुल आपने जो नामों की चर्चा की है वहाँ पे पॉजिटिव प्राइस सेटअप है। सबसे पहले यदि हम MGL की बात करें तो लगातार यहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। इनफैक्ट जो वीकली हर्डल था 1100 उसके ऊपर ये काउंटर टिका हुआ है मेरे हिसाब से जब तक 1100 के ऊपर रहते हैं आप खरीदारी के मौके यहाँ पे ढूंढिए 1080 का सपोर्ट रहेगा ऊपर में 1150 तक के टारगेट के लिए तो MGL पे इनफैक्ट खरीदारी की सलाह ही रखेंगे। इवन HDFC लाइफ की आप बात करो तो पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे बना है। स्टॉक जब पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेट हो रहा था तो 640-642 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा था तो 640-642 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और अब की बार इस रैली में 690 से लेके 700 तक के स्विंग यहाँ पे बनने चाहिए। और कौन से पॉकेट्स हैं चंदन जहाँ पर आपको रैली कंटिन्यू दिख सकती है लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स पे बात रही गैस काउंटर्स पे बात रही और कुछ सिलेक्टिव ज्वेलरी काउंटर्स लाइक कल्याण ज्वेलर्स पर बात रही क्या इसमें कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंस काउंटर्स में चोला फाइनेंस जैसे काउंटर्स भी आप ऐड करेंगे। देखिए चोला को ऐड किया जा सकता है। देखिए IGL MGL को यहाँ पे ऐड करना चाहिए हमने यहाँ पे अपोलो टायर की बात की है या फिर टाइटन की बात की। आप सबसे पहले चोला फाइनेंस की बात करें तो एक पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर है एक रेंज में है बट मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है जिनके पास भी पोजीशन है वो 1145 के सपोर्ट से बने रही है यहाँ पे 1215 तक के लेवल बन सकते हैं। और इनफैक्ट आप कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो अच्छा मोमेंटम है इनफैक्ट मेरा मानना है 10-15% की और रैली बनेगी तो पॉजिटिव मूव को कंटिन्यू करना चाहिए 159 के आसपास का सपोर्ट रहेगा 172-175 के अपसाइड के टारगेट के। और राइट तो ये तो कुछ काउंटर्स है जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर उन्हें फर्दर अपसाइड भी दिखता है। कल्याण ज्वेलर्स आज 7% की मूव है महानगर गैस उनका एक और काउंटर है जहाँ पर वो सलाह दे रहे हैं और अपोलो टायर की रिकमेंडेशन है। चंदन काउंटर्स जैसे PVR आइनॉक्स क्योंकि आज फ्राइडे भी है वीकेंड कुछ नई रिलीजेस भी है वो एक रीज़न हो सकता है तो क्या ये गेंस जो आज दिख रहे हैं वो फ्रिजल आउट हो सकते हैं या फिर रैली दिख सकती है 4% की मूव अभी PVR आइनॉक्स पे क्या करेंगे इसमें। देखिए PVR थोड़ा सा टफ काउंटर हो चुका है पिछले कुछ दिनों से जरूर आज रिकवरी हुई है बट याद रखिए उससे पहले इसमें लगातार 14 दिन गिरावट हुई है 1515 से लेकर स्टॉक 1360 तक फिसला है तो आज का जो प्राइस बिहेवियर वो एक थोड़ा बाउंस का इंडिकेट कर रहा है बट ध्यान रखिए काउंटर का ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रेशर में था तो मोमेंटम कितना होल्ड करता है वो ध्यान रखना पड़ेगा। इमीडिएट में 1400 का सपोर्ट है
बाउंस आता है तो 1470-75 तक बनना चाहिए, बट ओनली बाउंस के हिसाब से इस काउंटर को प्ले करने की सलाह रहेगी। कुछ और काउंटर्स की भी बात करेंगे, पर पीवीआर आईनॉक्स पे हमने जो बात की है तो कुछ रिसर्च हमारे लिए पूजा भी लेकर आई है कि आज ये क्यों बाइंग क्यों देखने को मिल रही है, आज ऐसा क्या है? वैसे मेजरली रीजंस तो मूवीज रिलेटेड होते हैं, पूजा बताएंगी। पूजा, कोई नई मूवी रिलीज हो रही है? जी, वैसे तो फ्राइडे का दिन है और हम देखते हैं कि शुक्रवार वाले दिन नई मूवी के भी लाइनअप होते हैं, तो हम इसी वजह से देख रहे हैं कि पीवीआर में एक तेजी है और पिछले 11 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद हम देख रहे हैं कि आज एक तेजी आ रही है 3% के आसपास की, और शेयर अपने 50 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल में खबर भी आई थी कि दिल्ली में कंपनी ने 10 नए मल्टीप्लेक्स खोले और अहमदाबाद में भी 5 खोले हैं, और इसके अलावा कंपनी तेजी से एक्सपेंशन कर रही है और माना जा रहा है कि करीब 700 करोड़ का निवेश भी करेगी कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान में। अब आते हैं रिलीज की तरफ, तो जून में हमने देखा कि फुटफॉल में काफी अच्छा सुधार आया है, जरा हटके जरा बचके ये सुपर हिट रही है, काफी अच्छा रिस्पांस मिला, और सत्यप्रेम की कथा ने भी पहले हफ्ते करीब 50 करोड़ का कारोबार किया है, और आगे की भी जो पाइपलाइन है वो भी काफी अच्छी नजर आ रही है, जो कि पीवीआर के लिए काफी पॉजिटिव रह सकता है। अभी तो 12 जुलाई को मिशन इम्पॉसिबल 7 जो रिलीज होने वाली है वहां पर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, और एडवांस टिकट जो है वो 25,000 टिकट अभी तक बुक हो चुकी है। 11 अगस्त को गदर 2 रिलीज होने वाली है, और माना जा रहा है कि जिस तरह से पठान को बेहतरीन ओपनिंग मिली थी वैसा ही कुछ गदर 2 के साथ भी रह सकता है, शानदार रिस्पांस यहां पर मिल सकता है। इसके अलावा एक और हॉलीवुड का मूवी क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर, ये 21 जुलाई को रिलीज होगी और काफी ज्यादा बस बुना है इस मूवी को लेकर भी, और इसमें भी आईमैक्स वर्जन में अगर बात करें तो 22,500 टिकट एडवांस बुकिंग में यहां पर बेची गई है, और ये पूरा साल अब देख रहे हैं कि शाहरुख खान के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। पठान तो एक बड़ी हिट थी ही, इसके अलावा पठान 2 का भी यहाँ पर डेट अनाउंस होने वाली है, जवान को लेकर शानदार क्रेज दिखाई दे रहा है, और रिलीज से पहले ही 250 करोड़ में जवान के नॉन थिएट्रिकल राइट्स भी बिक चुके हैं, तो काफी मजबूत पाइपलाइन है 2023 आने वाला जो समय है मूवीज के लिहाज से, और उसके देखते हुए ऑफकोर्स पीवीआर भी फोकस में रहेगा, और कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ रही है। नुवामा की अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो आउट परफॉर्म की राय दे रहे हैं, और जो लक्ष्य देख रहे हैं वो 1457 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं पीवीआर के लिए, तो आने वाले समय में पीवीआर के स्टॉक पर नजर रखिए। ये तो आप एक फंडामेंटल रीजन बता रही हैं कि पीवीआर पर आपको नजर रखनी क्यों चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। लेकिन टेक्निकली चंदन को यहाँ पर स्पर्ट ज्यादा नहीं दिखता है। ऑलराइट, दोनों राय हमने अपने हमारे व्यूअर्स के सामने रख दी है। मैं लॉन्ग बिल्टअप साइड पर डिस्कस करना था चंदन, उम्मीद थी कि शायद ये जो जियो फाइनेंशियल आर्म रिलायंस को जो मंजूरी मिली उसके चलते शायद रिलायंस में एक बड़ी मूव आ जा सकती है। ऑफकोर्स इस हफ्ते 2-3% की मूव ऑलरेडी आ चुकी थी रिलायंस में, पहले उस हैंडसेट के चलते और अब इस न्यूज, लेकिन एक बड़ी न्यूज थी, कोई बहुत बड़ा सर्ज भी नहीं आया और दिन भर में कोई बहुत बड़ा मौका नहीं मिला रिलायंस पे चार्ट्स पर रिलायंस कितना स्ट्रॉन्ग या फिर किस तरह की पोजीशनिंग दिख रही है आपको? देखिए प्रियंका जी, रिलायंस ओवरऑल पॉजिटिव सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, वीकली काफी अच्छा है, कल के दिन एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना, आज फॉलो अप भी देखने को मिल रहा है, मार्केट वीकनेस के बावजूद भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो पॉजिटिव प्राइस रहेगा, 2600 के सपोर्ट रहेंगे, स्लो एंड स्टडी आप 2720 तक के लेवल देख सकते हो रिलायंस पे। तो क्या यहाँ पर कोई आप ऑप्शन ट्रेड बताना चाहेंगे या फिर अभी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि बाजार में वीकनेस है? ऑफ कोर्स आई थिंक थोड़ा सा रुकना चाहिए, हल्के से डिप में यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। ठीक है, ऑल राइट, लेकिन 2720 तक के पॉजिटिव टेरिटरी में आपको जरूर दिख रहा है। ठीक है, अब एक बार जब बाजार थोड़ा वीक हो गया तो क्या शॉर्ट आइडियाज लेना बेहतर होगा? आइए कुछ शॉर्ट बिल्टअप आइडियाज भी डिस्कस करते हैं। तो चंदन, कुछ स्टॉक जो हमने भी आइडेंटिफाई किए और इसमें आपको फाइनेंस काउंटर्स में M&M फाइनेंस जैसे काउंटर्स, ये तो बड़े ड्रैगर्स हैं ही, एस्ट्रल जैसे काउंटर्स भी थोड़े वीक हुए हैं, और इनफैक्ट डाबर जैसे काउंटर्स में भी कुछ बड़ा रिस्पाइट नहीं दिखा, डिस्पाइट कॉमेंट्री इतनी खराब नहीं थी, कॉमेंट्री अच्छी थी, लेकिन थोड़ा लग रहा है कि FMCG इस वक्त बाजार वीक है और FMCG चल चुका है तो वहाँ पर शायद थोड़े प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। इनमें से कौन सा कोई काउंटर जहाँ पर आपको प्रेशर ज़्यादा लगता है? जी हाँ, देखिए काउंटर स्पेसिफिक हम होके बात करें शॉर्ट साइड में तो ये सब काउंटर है जहाँ पे प्रेशर है, और मैं 1/N यदि इन काउंटर को देखता हूँ तो सबसे पहले आप M&M फाइनेंस की बात करो, यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना है, हालांकि वीकली सेटअप अभी भी ठीक है बट डेली सेटअप इंडिकेट कर रहे हैं कि ऊपर के लेवल से करेक्शन आना चाहिए।
यहाँ पे लगभग आपको 340 के रेजिस्टेंस रहेंगे, नीचे में 315 तक के डाउनसाइड बन सकते हैं। अब नेस्टल की बात की, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी पिछले 3-4 दिनों से वीक है, लगातार लोअर टॉप लोअर मोमेंटम फॉर्मेशन बन रहा है। आई थिंक वन ऑफ द वीकेस्ट काउंटर अभी है इस वीक का, तो वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। 1840 का रेजिस्टेंस है, नीचे में 1720 तक के डाउनसाइड बनेंगे। ये दोनों काउंटर जहाँ पे वीकनेस रहेगी और यहाँ पे सेल ऑन बाउंस की रणनीति आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, सेल ऑन बाउंस एस्ट्रल जैसे काउंटर्स पर आपको दिखता है, तो एफएमसीजी के कुछ इन काउंटर्स पर क्या राय रहेगी, डाबर जैसे काउंटर्स पर? देखिए डाबर की आप स्पेसिफिक होके बात करें तो डाबर में ऊपर के लेवल से सेल ऑफ हुआ है, हालांकि एफएमसीजी में यूजुअली मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है, बट जिस हिसाब से सेल ऑफ हुआ है हल्का सा वो डिक्लाइन बनेगा, तो मैं इसको सेल नहीं समझ के ऐसा समझता हूँ कि नीचे आए तो आप खरीदारी की सलाह रखेंगे। 560-562 के आसपास तक एक बार के लिए काउंटर फिसल सकते। M6 पर भी प्रेशर काफी रहा है और आज भी आप देखें थोड़ा फर्दर शॉर्ट बिल्टअप तो है इसमें, क्या ये अभी प्रेशर में रह सकता है काउंटर? देखिए MCX कंपैरेटिवली हल्का सा डीप आया, बट यहाँ पे ज्यादा वीकनेस नहीं देख रहा हूँ। इनफेक्ट 1560-65 के आसपास आए तो डिक्लाइन, तो खरीदारी की सलाह देंगे। खरीदारी की सलाह है, और खरीदारी की सलाह निफ्टी के कुछ काउंटर्स में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आयशर इतना घट चुका था 10-12% का, वहां पर आज थोड़ा सा रिकवरी ट्रेड है, पर कितना कन्विक्शन दिख रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ से प्लस करने के लिए, या फिर एक थोड़ा साइडवे ट्रेड रह सकता है? में हम खरीदारी की सलाह नहीं देंगे, इनफेक्ट वीकनेस रहेगा, सेंटीमेंट चेंज हुआ है, सेल ऑन बाउंस की रणनीति है। इनफेक्ट आयशर तो उछाल आता है तो बिकवाले की सलाह रखेंगे, नीचे में 3100 तक के टारगेट बन रहे हैं। ठीक है, आप अब भी इसे सेल ऑन बाउंस करेंगे, हल्का सा बाउंस आज सुबह मिला था लेकिन वो भी इरोड हुआ और फ्रिजल आउट हो गया और अब तो 0.5% नीचे ही है। पावर काउंटर्स में, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में कल एक अच्छी मूव थी लेकिन आज ये तो 2-2.5% नीचे है, क्या ये मौका है खरीदारी करने का? देखिए पावर ग्रिड की आप बात कर रहे हो तो देखिए बाजार में सेल ऑफ है तो सारे काउंटर एक बार वीकनेस हुए, और ये सेल ऑफ में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है, तो पावर ग्रिड यूजुअली स्लो एंड स्टडी चलता है, जब भी चलता है हल्के से डिप आ जाता है, तो एक बार के लिए 250-250 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। ओके, बिल्कुल, नहीं, ये बात ठीक है, इसे प्रॉफिट बुकिंग कहना चाहिए, इसे सेल ऑफ या बिकवाली नहीं कहना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत प्रॉफिट जो गेन्स है वो लेकर भी जाने चाहिए, और मोर ओवर वीकेंड से पहले कोई भी रिस्क क्यों लेना, थोड़ी सी ट्रेडर स्क्वेयर ऑफ भी करना चाहते होंगे पोजिशन ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि आज एक बड़ा अपडेट भी आना है जॉब्स रिपोर्ट डेटा, जिसको देख करते हुए शायद हो सकता है आज आपको ट्रेड स्क्वेयर के चलते भी ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा दिख रही है। लेकिन इस बीच कुछ और काउंटर्स जहाँ पर IT का एक ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ, क्या चंदन आप बताएं, क्योंकि लगाट सेक्टर्स थे ये IT मेटल, लेकिन कंट्रीब्यूशन आया इनका हफ्ते की शुरुआत से ही मेटल से IT से, अब वहां पर भी गेन्स इरोड हो रहे हैं बिफोर द नंबर्स नाउ, क्या यहाँ ट्रेड हो गया है या फिर गेन्स का ट्रेड हो गया है और अब गेन्स इरोड हो रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं, क्या पोजिशनिंग दिख रही है आपको इस वक्त? काफी सिलेक्टिव रहेगा IT में, HCL Tech में थोड़े से डिक्लाइन दिखने को मिलेंगे, ऊपर में रेजिस्टेंस बन गया है 1130-1125 तक के डाउनसाइड आपको HCL Tech में बन सकते हैं। इवन TCS है वहां पे हम खरीदारी के मौके ढूंढेंगे, 3300 एक मेजर सपोर्ट है, तो काफी चुनिंदा आपको होना पड़ेगा IT काउंटर में, HCL Tech जैसे बिकवाली के काउंटर में रहेंगे, जबकि BSoft और TCS है जहाँ पे इवन बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाएंगे, तो पूरा सेक्टर अब एक दो धड़े में बंट गया, जहाँ पे कुछ में बाएंगे कुछ में चुनिंदा से बाकी है वहां पर अभी बाइंग दिख रही है, और कुछ जो चल चुके हैं वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है, TCS और बिरलासॉफ्ट जैसे काउंटर्स में आपने बाय की सलाह दी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आज समय देने के लिए और इस सारे स्टॉक्स और स्ट्रेटजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन एक स्पेस जिस पे क्लियरली चंदन भी बुलिश थे और उसके बिजनेस अपडेट्स बहुत शानदार आ रहे हैं, वो है ज्वेलरी काउंटर्स। टाइटन के बाद आगे इस पूरे स्पेस में किस तरह के अपडेट्स फर्दर आ सकते हैं और बड़ी रीजन क्या निकल कर आया बिजनेस अपडेट्स में, एक बार विनी से समझते हैं रिसर्च। विनी बताएं, टाइटन की ओवरऑल और करियान ज्वेलर्स दोनों ज्वेलर्स की बात करें तो उन्होंने अपना Q1 अपडेट ऑपरेशनल अपडेट दिया है। टाइटन का काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है, 20% ओवरऑल ग्रोथ है। ज्वेलरी सेगमेंट अलोन जो अकाउंट करता है उनका 80% ऑफ टोटल बिजनेस और रेवेन्यू, उसका ग्रोथ हुआ है 21%, वॉचेस का 13%, आई केयर बिजनेस में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 10% दिखी हुई है। ओवरऑल कंपनी ने हाईलाइट किया कि उन्होंने कंज्यूमर बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ देखी, ये पूरे क्वार्टर में सब बिजनेसेस में उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ देखी हुई है। अक्षय तृतीया फेस्टिवल था जो सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ग्रोथ को जून के महीने में, और परफॉर्मेंस ये अच्छी परफॉर्मेंस है डिस्पाइट द गोल्ड प्राइस वॉलिटिलिटी जो हमने देखी है, डिस्पाइट दैट कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बेटर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ आई है ज्वेलरी के बिजनेस में, ऐसे एनालिस्ट भी हाईलाइट कर रहे हैं, और ओवरऑल कंपनी ने ऐड किए हुए 68 स्टॉर्स ये क्वार्टर में, तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी टाइटन से। उसके अलावा अभी बात करते हैं कि अगर कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी हुई है, ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ आई हुई है 31% और सिर्फ इंडिया
बिजनेस की ग्रोथ देखें तो वो है 34% की ग्रोथ। स्ट्रांग मोमेंटम कंटिन्यू रहा है, अक्षय तृतीया का बेनिफिट उनको भी मिल रहा है, मिडिल ईस्ट उनकी जो वहाँ पे है जो बिजनेस है वहाँ पे भी स्ट्रांग मोमेंटम थी, फुटफॉल्स भी काफ़ी अच्छी थी। 21% रेवेन्यू ग्रोथ मिडिल ईस्ट के बिजनेस में भी देखी है और वो अपनी लॉन्चेस जो नॉन साउथ मार्केट में है वो भी रिकॉर्ड हाई पे है, उनकी ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम दिख रही है ग्रोथ नॉन साउथ बिजनेस में भी कंपनी के लिए। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ और आई बिजनेस अपडेट आया हुआ है दोनों ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन से। ऑलराइट, बिल्कुल, तो बिजनेस अपडेट्स अच्छे आए और ऑफकोर्स ये इन इवेंट्स की वजह से भी ज्वेलरी की बाइंग होती है, ये सब आप बता रहे थे। शुक्रिया मिनी ये रिसर्च हमारे व्यूज तक लेकर आने के लिए। फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करेंगे, अगला शो मैं